हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी सत्तू के पराठे। इसके लिए मैंने लिया है चना सत्तू और ये लगभग 2 कटोरी मैंने लिया है। और इसमें हम लेंगे आधा टुकड़ा प्याज और लहसुन, लहसुन की 8-10 कली लिए हैं मैंने, और हरी मिर्ची और नींबू और धनिया पत्ता। अब हम ये जो अदरक और लहसुन है इसको हम लोग ये कद्दूकस से कर लेंगे, घीस लेंगे, और मिर्ची को और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और सत्तू में इन सबको हम लोग डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये जो मसाला जितना है सबको डालेंगे, धनिया पत्ता को भी काट के डालेंगे। ये देखिए मैंने इसे धनिया पत्ता को काट लिया है। अब सबको डाल के मिक्स करेंगे और इसमें हम लोग लगभग दो चम्मच इसमें पानी डालेंगे। इससे सत्तू में थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाता है। अब इसमें नींबू का जूस डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा अजवाइन से सत्तू का टेस्ट और भी अच्छा, मतलब उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए सत्तू में अजवाइन थोड़ा सा जरूर डालना चाहिए। और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए। अब इसमें और कुछ नहीं डालना है। अब सबको हम लोग पूरे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे और ये हम लोग का ये मिक्सचर तैयार होके रेडी हो गया है। अब आटा गूंद लेंगे। ये मैंने आटा गूंद के रखा था। अब इसका एक गोल पेड़ा बनाएंगे और इसके अंदर वो जो मिक्सचर मैंने बना के रखा है उसको फिल करेंगे। लगभग 1 चम्मच इसमें फिल कर लेंगे और इसका रोटी पराठे की तरह बेल लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको हम लोग सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सत्तू के पराठे हैं ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा है, या रात में डिनर में भी इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक भी रहता है और टेस्टी भी लगता है। अब इसे दोनों साइड हम लोग इसको अच्छे से पका लेंगे और इसमें हम इसे घी के साथ या रिफाइंड के साथ, दोनों के साथ आप पका सकते हैं। मैंने इसे रिफाइन के साथ ही बनाया है। ये घी में ज़्यादा टेस्टी लगता है पर मैंने इसे रिफाइन में बनाया है। अब इसको दोनों साइड से मैंने सेक लिया है। अब ये सत्तू के पराठे बनके रेडी हो गए। फ्रेंड्स, आप ये सत्तू के पराठे बनाइए और इसको नींबू, ये प्याज और सॉस के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब ये देखिए अंदर से ये इस तरह से दिखाई देता है। थैंक यू।